लास्ट जो वीडियो था उसमें कुछ नोट वगैरह लिखे गए थे, ठीक, जिसमें लास्ट लाइन थी, इन स्क्वायर पैरेललोग्राम एंड रोम्बस मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स आर को इंसिडेंट, ये हुआ था। इसके बाद उसी में आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक, तो हम उसका नेचर यानी वो रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, वो होगा क्या, ये किस तरीके से हम पता करते हैं। हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें लिखने हैं सबसे पहले स्टेप वन। पहला काम हम ये करते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं, चेक मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने का मतलब है कि हम मिड पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या मिड पॉइंट सेम टू सेम होंगे या फिर नहीं होंगे। चेक मिड पॉइंट, चेक मिड पॉइंट, जैसे जो भी है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, मान लो हमें कोई एक स्क्वायर दिया गया है, तो इस स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे, इन डायगोनल के मिड पॉइंट को चेक किया जाएगा, क्या ये मिड पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, यानी कोइंसिडेंट हैं या नहीं है, यानी पहले डायगोनल का मिड पॉइंट क्या दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट है या नहीं है, ये बिहेवियर सबसे पहला चेक करते हैं। चेक द मिड पॉइंट कोइंसिडेंट, चेक द मिड पॉइंट कोइंसिडेंट और नॉट। सबसे पहला काम चेक करते हैं कि डायगोनल का मिड पॉइंट क्या कोइंसिडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहला काम, ठीक। जैसे एक फिगर बना लेते हैं, मान ले हमें दिया गया है कुछ ऐसा, ये एक रैंडम शेप बना रहे हैं, बस कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक, ये स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ठीक, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं कि फिगर इस तरीके से बना, ये एक जनरल फिगर बना हुआ है बस, खाली कैपिटल ए। अभी हमको इस फिगर के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट पता है x1, y1, ठीक, इस तरीके से कैपिटल बी हम मान लेते हैं, x2, y2, कैपिटल सी मान लेते हैं, x3, y3, और डी मान लेते हैं पॉइंट x4, y4, और ये इनके डायगोनल आ गए। ये इनके डायगोनल हैं, ठीक। अभी की तारीख में चूंकि ये जनरल केस है, इसलिए हम मानते हैं इसका डायगोनल, इसके डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो ये है कैपिटल ई, और इसके डायगोनल का मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर मान लेते हैं कैपिटल एफ। हमें ये भी नहीं पता ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम पहले बोले ये केवल एक जनरल फिगर है, सिर्फ समझने के लिए इसको बनाया गया है। तो लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक, इज कैपिटल ई, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है कैसे निकाले जाते हैं, x1 + x3 / 2, फिर y1 + y3 / 2, यानी ई के कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x3 / 2, y1 + y3 / 2। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ BD इज, इसके मिड पॉइंट है कैपिटल F माने हुए हैं, कैपिटल F, और इसका कोऑर्डिनेट आएगा उसी तरीके से x2 + x4 / 2 और y2 + y4 / 2, ये मिड पॉइंट हमको मिल गए, ठीक। जिस दिन ये मिड पॉइंट को इंसिडेंट हो गए, यानी ई और एफ दोनों आपस में बराबर हो गए, तब के लिए लिख रहे हैं इफ ई इज इक्वल टू एफ, यानी डायगोनल के मिड पॉइंट आपस में को इंसिडेंट हो जा रहे हैं, ई इज इक्वल टू एफ, देन क्वाड्रिलेटरल, तब ये जो भी चतुर्भुज हमको दिया गया होगा, देन
क्वाड्रिलेटरल, देन क्वाड्रिलेटरल मे बी स्क्वायर, ये जो जो हो सकता है वो लिख रहे हैं, मे बी स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, एक स्क्वायर हो, और रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम, ठीक, और रोम्बस या रोम्बस भी हो सकता है। और रोम्बस, ठीक, सबसे पहला काम हम ये चेक करते हैं कि जो भी क्वाड्रिलेटरल हमको दिया गया है हम उसके डायगोनल के मिड पॉइंट को निकालते हैं। मिड पॉइंट को निकालने पर हम चेक करते हैं क्या दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को इंसिडेंट हैं। अगर ये को इंसिडेंट है, मतलब दोनों ही मिड पॉइंट सेम टू सेम हैं, तो ऐसे केस में जो क्वाड्रिलेटरल हमको दिया गया हुआ है वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, या रोम्बस हो सकता है। ठीक, स्टेप टू इसमें लिखते हैं। ये पहला स्टेप था, स्टेप टू। इसे चेक करने के बाद जब ये बात निकल आई, अब हम डायगोनल की लेंथ देखते हैं, क्या डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर हो रही हैं या नहीं, यानी क्या AC बराबर BD होगा या नहीं होगा। लिखना, नाउ चेक, नाउ चेक डायगोनल्स आर इक्वल आर नॉट, डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। अब ये चेक करते हैं कि डायगोनल आपस में बराबर हैं या नहीं है, और चेक करने के मेरे पास एक ही तरीका है, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम ये चेक करते हैं कि क्या डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पर दो केस आते हैं, पहला जब डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर हो जाती है, दूसरा जब डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती है। देखते हैं क्या बनता है, ये फिगर हम हटा देते हैं, दो हिस्से पर इसमें काम करेंगे हम। इफ, अगर पहला डायगोनल AC दूसरे डायगोनल BD के बराबर होता है, इफ AC इज इक्वल टू BD, पहली बात हो चुकी है कि अगर मिड पॉइंट आपस में को इंसिडेंट हो जाते हैं तो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रोम्बस में से कुछ भी हो सकता है। अब बात आ रही है अगर AC इज इक्वल टू BD हो जाता है, तब के केस में या तो ये स्क्वायर होगा, आइदर इट इज स्क्वायर और इट इज रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में ही डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर होती है। ठीक, दूसरी बात अगर डायगोनल आपस में बराबर ना आए, इफ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम क्लियर कर दें, जिस दिन हमें ये पता चलता है चारों साइडें भी बराबर आ जाती हैं, ठीक, जैसे स्क्वायर में चार की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो चारों साइड्स आपस में बराबर आ गई, डायगोनल की लेंथ भी आपस में बराबर आ गई, हम ये जान गए कि अब ऐसे केस में जो कुछ होगा वो एक स्क्वायर होगा, लेकिन जो चार ऑप्शन हैं उसमें स्क्वायर कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, बल्कि वहाँ स्क्वायर की जगह पर रोम्बस है, तो हम रोम्बस पर ही टिक मारेंगे। ये पहले ही पिछले वीडियो में भी इस बात को बताए हुए थे कि रोम्बस को जब कहा जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोम्बस में डायगोनल हमेशा अनइक्वल ही हो, रोम्बस इवन स्क्वायर भी रोम्बस का ही केस होता है, ये एक पर्टिकुलर केस होता है, इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया जाता है, रोम्बस जनरलाइजेशन का केस है, जैसे क्वाड्रिलेटरल जनरलाइजेशन है। सो अगर परिवार की बात करें तो परिवार की शुरुआत तो क्वाड्रिलेटरल से हुई, ठीक, क्वाड्रिलेटरल भी जिस परिवार का रहा होगा उसका कहीं बीच का मेंबर आया होगा, और क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद इसके अलग अलग मेंबर टूटते हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जो कुछ भी अभी चल रहा है ये पर्टिकुलर केस की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ़ AC बराबर BD, अगर दो के दोनों डायगोनल आपस में बराबर हैं तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। अगला, इफ़ AC डज नॉट इक्वल टू BD, ऐसा हो कि डायगोनल आपस में बराबर ना हो, तो या तो ये पैरेललोग्राम होगा या ये रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक, अभी भी कंफर्म नहीं है। अब हम साइट्स को चेक करते हैं, तीसरा स्टेप, स्टेप थर्ड,
स्टेप थर्ड, ठीक। नाउ चेक साइट्स, नाउ चेक्स साइट्स। अब साइट्स को चेक करते हैं, अभी भी दो केस हैं, सारी साइट्स आपस में बराबर आ जाएं और सारी साइट्स आपस में बराबर ना आए तब का किस्सा देखते हैं। एक तरफ इक्वल साइट्स, इक्वल साइट्स, दूसरी तरफ अनइक्वल साइट्स। अनइक्वल साइट्स, इक्वल साइट्स अगर हो गई तब के केस में या तो ये स्क्वायर होगा, ठीक, और या तो ये रोमबस होगा। अच्छा, यहां पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ऊपर बोल दिए रोमबस में डायगोनल बराबर नहीं होते, इक्वल साइड वाले हिस्से में रोमबस ला करके ली, नहीं ये बिल्कुल अलग स्टेप है, ये अलग। आप चाहे इस स्टेप को पहले कर सकते हैं, इस स्टेप को पहले कर सकते हैं, इसीलिए और चल रहा है। जैसे अगर हम चेक करते और हमको डायगोनल बराबर मिल जाते, तो डायगोनल बराबर मिल जाते तो एक बात तो तय थी कि या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, पहला चीज़। लेकिन हमें पता है रेक्टेंगल की दुनिया में साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो जब रेक्टेंगल की दुनिया में साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं तो जिस दिन साइड्स को चेक करेंगे और साइड्स भी बराबर आ गई तो डायगोनल बराबर साइड्स आपस में इक्वल, तो इसका मतलब हम लोग रुक गए किस पर, स्क्वायर पर। लेकिन इधर देखते हैं, इसे चेक करते वक्त पता चलता है कि डायगोनल आपस में बराबर नहीं आए लेकिन साइड्स आपस में बराबर आ गई, तो साइड्स आपस में बराबर आ गई तो तुरंत किस में आएंगे, रोमबस में आएंगे। इसका मतलब इक्वल साइड्स होने पर स्क्वायर या रोमबस दोनों हो सकता है। तो ये कंबाइंड रिजल्ट में हम जब दोनों को एक साथ देखेंगे तब हम पता पाएंगे कि दिया गया फिगर, जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमको दिया गया है, वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिजल्ट अलग अलग लिखे जा रहे हैं, जिस वक्त फाइनल रिजल्ट देखना होगा उस वक्त इनको साथ साथ देखना पड़ेगा, ठीक। अनइक्वल साइड्स अगर होती हैं तो अनइक्वल साइड्स के वक्त जो रिजल्ट आएंगे या तो रेक्टेंगल होंगे, रेक्टेंगल, और या तो ये पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम, ठीक। ये होता है कि जो कुछ भी हमें दिया गया है उसका नेचर चेक करना कि क्वाड्रिलेटरल का नेचर क्या होगा। अब इस पूरे का एक खाका खींच करके बताते हैं कि हम कौन कौन सा काम कैसे कैसे करते जाएंगे और किस तरीके से हम अपना रिजल्ट पाएंगे। ये पहले नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अभी हम कुछ इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशंस भी लिखा देते हैं जिससे सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ये थ्योरीज इतनी लिखी जाती हैं केवल इसीलिए कि जिस वक्त हमारे सामने कोई भी न्यूमेरिकल आए तो हम थ्योरीज का सही सलामत उस पर इस्तेमाल कर सकेंगे। पता चले आप केवल शॉर्ट ट्रिप पे एक थ्योरी पढ़ करके बैठे हुए हो और जो सामने दिख रहा है उसमें आप कन्फ्यूज़ हुए पड़े हो। जैसे अरिहंत की बुक है, अरिहंत की बुक में एक जगह पर लिखा गया है कि जब आपको रोमबस दिखाना हो तो रोमबस दिखाते वक्त आप दिखा दीजिए कि साइड्स इक्वल हैं और साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल आपस में बराबर नहीं है, ठीक। सही बात है, साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, रोमबस हो जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता उसी बात को, हाँ, रोमबस दिखाने के लिए वो एक चीज़ और भी लिखे हुए हैं। इस वक्त मेरे पास किताब नहीं है, शायद उन्होंने कहीं पर एक जगह इस्तेमाल करते हुए दिखा दिया है कि रोमबस के लिए सिर्फ और सिर्फ डायगोनल को अनइक्वल दिखा दीजिए, केवल डायगोनल अनइक्वल। ये एक लाइन वहाँ पर लिखी गई है कि दिए गए क्वाड्रिलेटरल को अगर रोमबस दिखाना है देन शो दैट डायगोनल्स आर अनइक्वल। अब सोचने की बात यह है कि आप तो कह दिए डायगोनल्स आर अनइक्वल देन रोमबस, लेकिन ये स्क्वायर खुद भी रोमबस का ही केस होता है। रोमबस बड़ा मेंबर है परिवार का, ये उसका छोटा मेंबर है, यानी हर स्क्वायर रोमबस होता है लेकिन हर रोमबस स्क्वायर नहीं होता है। तो ऐसे केस में उस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता जिस दिन ऑप्शनल में स्क्वायर दे करके ऑप्शनल में रोमबस लिख दिया लेकिन जो फिगर वहाँ बन रहा है वो फिगर स्क्वायर बन रहा है, तो उस स्क्वायर को मजबूरन हमको रोमबस के परिवार में रखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज द रोमबस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये भी हटा दे रहे हैं, अब एक खाका खींच रहे हैं पूरा जिसमें सारी चीजें एक साथ क्लियर हो रही हैं। जैसे मान लो हमें फोर पॉइंट दिए जाते हैं, फोर पॉइंट्स गिवन, फोर पॉइंट्स गिवन, ठीक। जब चार पॉइंट दिए गए हैं तो सबसे पहला काम होगा डायगोनल का मिड पॉइंट चेक करना, चेक मिड पॉइंट।
ये मिड पॉइंट लिखा जाता है, मतलब डायगोनल का मिड पॉइंट। चेक मिड पॉइंट्स, सबसे पहला काम। ठीक, फोर पॉइंट्स गिवन, चार पॉइंट दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम होगा मिड पॉइंट को चेक करना। मिड पॉइंट को चेक करते हैं, अगर मिड पॉइंट सेम आते हैं, ठीक, दो केस बनेंगे, या तो मिड पॉइंट सेम आएंगे या तो मिड पॉइंट डिफरेंट आएंगे। जिस दिन मिड पॉइंट डिफरेंट आएंगे उस दिन ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्वाड्रिलेटरल, ये पर्टिकुलर जो केस होते हैं जो फेमस फेमस हमको दिखेंगे, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, वो ट्रेपेज़ियम वगैरह, काइट वगैरह में हो सकता है, इसीलिए उसको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। ये यहाँ पर हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं, डिफरेंट मिड पॉइंट, डिफरेंट मिड पॉइंट्स, अगर मिड पॉइंट डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक, आउट ऑफ फोर पॉसिबिलिटीज, जो चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं, ये स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड, पैरेललोग्राम वगैरह वाली, ये नहीं हो सकती हैं। ठीक, चार पॉसिबिलिटीज हम गिना दे रहे हैं, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक रोम्बस है, एक पैरेललोग्राम है, इन चार में से कुछ भी नहीं हो सकता है, बाकी चाहे जो भी फिगर हो। तो लिख देना यहाँ पर, आउट ऑफ फोर पॉसिबिलिटीज, आउट ऑफ फोर पॉसिबिलिटीज, सबसे पहला काम वापस दोहरा रहे हैं, चार पॉइंट हमको दिए गए हैं, चार पॉइंट दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे डायगोनल का मिड पॉइंट चेक करेंगे। अगर डायगोनल के मिड पॉइंट ही डिफरेंट आ जाते हैं तो इन चार पॉसिबिलिटीज में से कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सेम आते हैं, सेम मिड पॉइंट, सेम मिड पॉइंट्स, हम थोड़ा छोटा लिख रहे हैं जिससे बोर्ड पर आ जाए, वैसे उम्मीद कम ही है, सेम मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट सेम हो गए तो चारों पॉसिबिलिटीज खुल गई। चारों पॉसिबिलिटीज जो खुली उसमें पहली पॉसिबिलिटीज स्क्वायर और अथवा रेक्टेंगल और अथवा रोम्बस और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ये चार में से कुछ भी हो सकता है। अब मेरा अगला काम होगा डायगोनल की लेंथ को चेक करना, यानी इसके बाद चेक डायगोनल, चेक डायगोनल्स। अब यहां से डायगोनल को चेक किया जाएगा। ठीक, डायगोनल को चेक करने में दो केस बन सकते हैं, पहला केस डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाए और दूसरा केस डायगोनल की लेंथ अनइक्वल आ जाए। तब के लिए देखते हैं, इधर हम लिख रहे हैं डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल इक्वल्स। ठीक, जिस दिन डायगोनल इक्वल हो गए उस दिन या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। ठीक, जिस दिन डायगोनल अनइक्वल आ गए, डायगोनल्स अनइक्वल, अगर अनइक्वल आ गए तो या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा, और रोम्बस। ठीक, इसके बाद साइड को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इस फिगर को इतना बना लो, तो हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, यही थोड़ा ऊपर कर देंगे इसे, इसी इतने फिगर को ऊपर करेंगे, यानी ऊपर का हिस्सा तो हो ही चुका है, ये हटा रहे हैं। चेक डायगोनल को ऊपर कर रहे हैं, हमने कहा डायगोनल्स चेक करेंगे, चेक डायगोनल्स। ठीक, डायगोनल्स को चेक करने के बाद ऐसा हो सकता है कि डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर आ जाए, यानी डायगोनल्स इक्वल्स, डायगोनल्स आपस में एक बराबर। जिस दिन डायगोनल्स बराबर हो गए उस दिन हमने कहा या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। ठीक, और जिस दिन डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं आए, ठीक, डायगोनल्स अनइक्वल्स,
ठीक, उस दिन कहा गया या तो पैरेललोग्राम होगा और या तो रोमबस होगा, ये इतना केस हुआ। ठीक, अब इसके बाद साइड की बारी आती है, इसके तुरंत बाद हम साइड्स चेक करेंगे। ठीक ना, चेक साइड्स, चेक साइड्स। अब जो भी साइड्स दी गई हैं उन साइड्स की लेंथ को चेक किया जाएगा, फिर दो केस बनेंगे। दोनों केस क्या हैं? अच्छा, ये अब जितना हिस्सा चल रहा है ये इक्वल डायगोनल पे, मिड पॉइंट बराबर आ गए। मिड पॉइंट बराबर आने के बाद डायगोनल चेक किया, डायगोनल भी आपस में बराबर आ गए, डायगोनल भी बराबर आ गए, तो हम साइड चेक कर रहे हैं। साइड चेक करने पर साइड सेम आ गई, सेम साइड्स, सेम साइड्स, और साइड्स के सेम आते ही तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा स्क्वायर है। यानी मिड पॉइंट सेम हो, मिड पॉइंट सेम होने के बाद डायगोनल्स की लेंथ आपस में एक बराबर आ जाए। ठीक, डायगोनल्स की लेंथ एक बराबर होने के बाद साइड्स भी आपस में बराबर आ जाएं तो तुरंत कह देंगे स्क्वायर है। लेकिन मिड पॉइंट बराबर हो, डायगोनल बराबर हो, लेकिन साइड्स आपस में बराबर ना हो, रेक्टेंगल होगा। यहां पर डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड्स का मतलब है कि साइड्स की लेंथ आपस में डिफरेंट हो, तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक, अच्छा, मिड पॉइंट चेक किए वो बराबर आ गए, फिर डायगोनल चेक किए डायगोनल अनइक्वल आए, डायगोनल अनइक्वल आने के बाद फिर साइड्स को चेक किया गया। यहाँ पर चेक साइड्स, चेक साइड्स, और जब साइड्स को चेक किए तो फिर वही दो किस्से बने, पहला सेम साइड्स, डायगोनल बराबर ना हो लेकिन साइड्स बराबर होने जा रही है, सेम साइड्स, और जिस दिन साइड्स यहां सेम हो गई उस दिन ये रोमबस है, रोमबस, और अनइक्वल साइड्स हो गई तब डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड्स हो गई, तो रोमबस के बाद छूटा कौन? पैरेललोग्राम, इसका मतलब अब ये पैरेललोग्राम है। ये फिगर बना लें फटाफट, अभी हम इस चीज़ को और क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि रोमबस, स्क्वायर, ये सब कौन एक दूसरे में मर्ज किस तरीके से होते हैं उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए तब ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी कंडीशंस की जो हमको हर बार बचा सके। और जो भी लोग लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस को ढंग से पढ़ेंगे वो जानते हैं कि ऐसी कंडीशंस इफ़ एंड ओनली इफ़ की होती हैं, जो दो तरफा चलती हैं, मतलब एक ही शर्त है, उसी शर्त को दिखा करके छुट्टी पा गए, सारा काम ही अपना ख़त्म हो गया। हेडिंग डाल देना, हेडिंग क्या मतलब, ये एक रिमार्क के जैसा चल रहा है, इफ एंड ओनली इफ ज्योमेट्रिकल फैक्ट, इफ एंड ओनली इफ ज्योमेट्रिकल फैक्ट, ज्योमेट्रिकल फैक्ट। ठीक, इसमें सबसे पहली बात, कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनेगा उसके लिए नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन बोलने चल रहे हैं। ठीक, मतलब यही शर्त जरूरी है और यही शर्त पर्याप्त है, दोनों बातें यहीं पर होंगी। अ क्वाड्रिलेटरल, एक जो चतुर्भुज आपको दिया गया है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, वो एक समानांतर चतुर्भुज होगा। पहली बात, इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये जो भी शर्तें लिखी, जैसे अगर हमने दो शर्तें लिखी तो दो में से कोई भी एक शर्त दिखा दी गई तो इसका मतलब गारंटी है, मुहर लग चुकी है कि वो एक पैरेललोग्राम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। पहला, इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट्स,
अब यहीं पर परिवार में इंटरसेक्शन भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिवार में लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप रखना शुरू कर रहे हैं। इफ़ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। अब यहाँ गौर करने की बात है, सिर्फ एक ही शर्त है, कोई क्वाड्रिलेटरल अगर दिया गया है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम बोल देंगे, केवल और केवल तब। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है केवल और केवल तब, ये एक दुधारी तलवार है, इधर सही तो ये सही, ये सही तो ये सही है। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अपने आप को पैरेललोग्राम कह रहा है तो तय बात है उसकी अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो पक्का वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब गौर करो, इसमें सारे के सारे नाम इसमें शामिल हो गए। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो अपने को पता है स्क्वायर में अपोजिट साइड्स ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, और ये दो अपोजिट साइड्स हैं ये भी आपस में कैसी होती है, वो अलग बात है, ये चार की चारों आपस में बराबर होती हैं, ये तो ये बाद की बात है। सिर्फ पैरेललोग्राम की जो मेन डिफिनीशन है उसको इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो पैरेललोग्राम की डिफिनीशन कहती है कि कोई भी बना हुआ क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा केवल और केवल तब अगर उसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर हो जाएं। तो ठीक, ये अपोजिट साइड इसके बराबर, ये अपोजिट साइड इसके बराबर, इसका मतलब जितने भी स्क्वायर होते हैं आज के बाद आंख बंद करके कहेंगे वो सब के सब क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। उनमें कोई भी नुक्ताचीनी करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, हर स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा ये ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी नहीं, नहीं ही होगा, कंपलसरी है, हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता है। यानी पैरेललोग्राम का परिवार बहुत बड़ा है, उस परिवार में जो मेंबर अपनी सारी साइड से एक बराबर कर ले रहे होते हैं, अपने डायगोनल एक बराबर कर ले रहे होते हैं, वो लोग स्क्वायर की कैटेगरी में निकल आते हैं। दूसरी बात, चाहे ये शर्त दिखा दें चाहे ये वाली दिखा दें, इफ़ एंड ओनली इफ केवल और केवल तब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम केवल और केवल तब हो सकता है जब जब उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी आधे पर काट रहे होंगे। जैसे अच्छा, आधे पर काटने का ये मतलब नहीं कि इनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट हो जाएंगे, ये अलग बात है। जैसे ये हमको दिया गया, ये इसका एक डायगोनल था ठीक, और ये इसका दूसरा डायगोनल था। जब ये डायगोनल खींचा जा रहा था तो पता चला ये डायगोनल जिस वक्त इसको इस पॉइंट पर काट रहा था, जब इसको इस पॉइंट पर काट रहा था तो इस पॉइंट को काटने पर ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो गई, तो मतलब इस डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया आधे पर काटना। अब की बार जब ये डायगोनल इसको काट रहा था तो फिर इसी हिस्से पर आधे पर किया, इसका मतलब ये दोनों दूरी कैसी हो गई, बराबर हो गई, तो इसका मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगली बात देखते हैं, फिर फिगर बदल रहे हैं। इस तरीके का मामला आया, डायगोनल को खींचा गया, ये आया, इनको खींचा गया तो ये आया ठीक। अब जब ये डायगोनल इसको काट रहा है तो चूंकि दो लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काट सकती हैं, अगर काट रही हैं तो, अदरवाइज ओवरलैप करेंगी तब तो फिर इनफाइनाइट पर, दो लाइनें या तो बिल्कुल एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, दो लाइनें या तो एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट पर काटती हैं, या तो सिंगल एक पॉइंट पर काटती हैं। तो इसका मतलब अगर ये डायगोनल इसको काट रहा है और इस पॉइंट पर, तो सोचो अब बाइसेक्ट में, अब हम बोल रहे हैं बाइसेक्ट का मतलब, यहाँ पर जब बाइसेक्ट किया तो इसका मतलब ये पॉइंट इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट बन गया और इसका भी मिड पॉइंट बन गया। यानी मिड पॉइंट कैसे हो गए, सेम टू सेम हो गए। अब जो फिगर पीछे अभी करवाए हुए थे उस फिगर में देखो, उस फिगर में जैसे ही मिड पॉइंट सेम टू सेम हो गया, तुरंत हम बोल दिए थे चार पॉसिबिलिटीज़ खुली थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। इसका मतलब जिस जिस वक्त डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे उनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट हो जाएंगे, और मिड पॉइंट को इंसिडेंट होने का मतलब ये चार की चारों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उस पॉसिबिलिटीज़ में अब हम इनको शामिल कर रहे हैं, सिर्फ एक बात, इफ़ एंड ओनली इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि मिड पॉइंट एक बराबर हो गए, मिड पॉइंट को इंसिडेंट हो गए। और मिड पॉइंट को इंसिडेंट तो रेक्टेंगल में भी होते हैं, मिड पॉइंट को इंसिडेंट रेक्टेंगल में भी होते हैं, मिड पॉइंट को इंसिडेंट स्क्वायर में भी होते हैं, मिड पॉइंट को इंसिडेंट रोम्बस में भी होते हैं। इसका मतलब रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सब के सब कौन हैं, पैरेललोग्राम हैं।
इसका मतलब जो पैरेललोग्राम है वो इन तीन में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तीन के तीनों पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे। इसीलिए सबसे बड़ा परिवार किसका है? पैरेललोग्राम की। इसलिए पहला इंट्रो भी किसका कर रहे हैं? पैरेललोग्राम का ही कर रहे हैं। ठीक, तो मिड पॉइंट को इंसिडेंट डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब उनके मिड पॉइंट को इंसिडेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक, सिर्फ इतना दिखा देना पर्याप्त है किसी भी दिए गए क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने के लिए। अगली बात, सेकेंड पॉइंट, अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की दुनिया में आ रहे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल डैश। शर्तें देखते हैं, रेक्टेंगल कब कब हो सकता है। पहली शर्त, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, मतलब किसी चतुर्भुज को आप रेक्टेंगल की दुनिया में तभी रखेंगे, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेकिन इतना नहीं, अब आगे की बात और लिख रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, और इसके साथ ही साथ एंड वन एंगल का मतलब इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, वन एंगल इज राइट एंगल, और अंदर में मौजूद कोई एक एंगल केवल कैसा हो? राइट एंगल। मतलब तीन एंगल जो और आ रहे हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक एंगल की बात कर रहे हैं, एक एंगल आपका कैसा हो? राइट एंगल हो। लेकिन ये दोनों शर्तें एक साथ आ रही हैं, मतलब आप किसी क्वाड्रिलेटरल को एक रेक्टेंगल कहने जा रहे हैं, तो आप उसको रेक्टेंगल तभी कह सकते हैं, केवल और केवल तब, सिर्फ और सिर्फ तब, जब अपोजिट साइड आपस में बराबर हों और एक एंगल आपका कैसा हो? रेक्टेंगल हो। चारों साइड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपोजिट साइड की बात कर रहा है। अब सोचो, स्क्वायर इस कैटेगरी में भी गिरा और इसमें भी गिरेगा, स्क्वायर जैसे गिरा स्क्वायर के हिस्से, अपोजिट साइड आपस में इक्वल, ये अपोजिट साइड इसके इक्वल है, और ठीक है एक एंगल, यहां तो चार के चारों हैं, अपने को तो केवल एक ही चेक करने हैं, ये राइट एंगल। इसका मतलब जितने स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल भी होते हैं, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब इनकी बात करते हैं, ये रहा ठीक, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये और ये भी आपस में इक्वल हैं, और एक एंगल 90 डिग्री, लो हो गया, इसका मतलब ये भी रेक्टेंगल होगा ही होगा। ये पहली बात हुई। दूसरी बात बी, मतलब चाहे इसे दिखा दें काम हो जाएगा, और चाहे अब जो लिख रहे हैं इसे को दिखा दें, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इसमें मजे की बात है कि अगर एक शर्त पूरी हो रही है तो नीचे जो दूसरी शर्त लिखी जा रही है ये ऑटोमेटिकली पूरी होगी ही होगी, और अगर ये हो रही है तो ऊपर वाली होगी ही होगी। इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड, और इसके साथ ही साथ एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल भी आपस में बराबर हों, डायगोनल्स आर इक्वल्स, और डायगोनल की लंबाई भी आपस में कैसी होनी चाहिए? एक बराबर होनी चाहिए। यानी अगर किसी को रेक्टेंगल दिखाना है तो हमको सबसे पहला काम ये करना होगा कि अपोजिट साइड्स, सोचो ये कंडीशन ये बिल्कुल नहीं छूट रही है, पहले में भी नहीं छूट रही, ये दूसरे में भी नहीं छूट रही, मतलब इसको तो हम नहीं ही भूल सकते हैं। ठीक, अगली वाली शर्तें बदली हुई हैं, यहाँ कह रहे हैं आप चाहे एक एंगल को राइट एंगल दिखा दीजिए, तो जब तक आपके पास एंगल का फार्मूला नहीं होगा दो लाइन के बीच का, तब तक इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ कह रहे हैं एंड डायगोनल्स आर इक्वल, हमारे पास प्रेजेंट टाइम में डिस्टेंस का फार्मूला है, तो अगर हमको यहाँ कोई न्यूमेरिकल उठाना हो तो हम इस तरफ से उठाएंगे, अपोजिट साइड्स को भी इक्वल दिखाएंगे डिस्टेंस फार्मूले से, और डायगोनल की लेंथ को भी कैसा दिखाएंगे? इक्वल। ये दोनों बातें एक साथ होल्ड होती हैं तो दिया गया क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा।
और सोचो ये बातें, ये बात स्क्वायर पूरी करता है, इसीलिए स्क्वायर रेक्टेंगल का भी हिस्सा आता है। स्क्वायर शायद परिवार का सबसे छोटे मेंबर की तरफ बढ़ रहा है, पैरेललोग्राम के हिस्से भी चढ़ गया, रेक्टेंगल के भी हिस्से चढ़ गया। जो घर का सबसे छोटा मेंबर होता है उसका अग्रासन सबकी थाली से निकलता है, वो पापा की भी थाली में जूठा कर सकता है, मम्मी में भी जूठा कर सकता है, भैया में भी कर सकता है, और रोक करके किसी को उसको देख ले अगर हिम्मत हो तो। तो सेम कंडीशन अभी यहाँ पर स्क्वायर की हो रही है, स्क्वायर बड़े मेंबर से निकल करके आया है और बड़े मेंबर से निकला है तो सबके हिस्से चढ़ता जा रहा है। अगली बात देखते हैं फिर, तीसरी बात, अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस डैश इफ एंड ओनली इफ, पहली बात है। अब किसी क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस कब कहेंगे, और यही बात अभी क्लियर करेगी कि स्क्वायर भी रोम्बस की दुनिया का मेंबर होता है, इफ एंड ओनली इफ ऑल द फोर साइड्स, इफ एंड ओनली इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल्स। बस एक शब्द सफिशियंट है ये। अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कहना चाह रहे हैं तो केवल एक काम चेक कीजिए, उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को निकाल डालिए। चारों साइड्स के निकालने के बाद अगर वो चारों साइड्स आपस में बराबर आ जाती हैं तो आप बिना सोचे समझे उसको रोम्बस की दुनिया का हिस्सा कह दीजिए, वो रोम्बस होगा ही होगा। ठीक, अच्छा सोचो, अपोजिट साइड्स, जब चारों साइड्स बराबर हैं तो आमने सामने बैठी हुई साइड्स अपोजिट हुई तो इसका मतलब वो भी आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब जो रोम्बस है वो अभी इसके जस्ट पहले वाला जो लिखा गया था, इसके जस्ट पहले वाला, ठीक अगर याद हो तो इसके ठीक पहले रोम्बस के हम लोग रेक्टेंगल लिख के आए थे। इसका मतलब रोम्बस रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी को पूरी कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज़ अ राइट एंगल, और एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी रुक गई। अगर दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी और पूरी कर दे तो रोम्बस रेक्टेंगल का भी मेंबर हो जाएगा। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, एक बात तो तय हो गई कि स्क्वायर रोम्बस होता है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है। इस बात पर हम इतना जोर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये बात किताब में लिखी हुई मिली है कि अगर आपको रोम्बस दिखाना है तो आप डायगोनल अनइक्वल दिखा दीजिए। कैसे दिखा देंगे, रोम्बस में डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो आप जबरदस्ती थोड़ी धोखनी जैसा मुँह खोल करके दिखा देंगे कि नहीं लो नहीं होने वाले हैं बराबर। बी पार्ट, ठीक, दूसरी शर्त, इफ एंड ओनली इफ, अगर आपको रोम्बस कहना है तो आप ये भी दिखा सकते हैं, केवल और केवल तब वो रोम्बस होगा इफ एंड ओनली इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, अगर डायगोनल एक दूसरे को आधे पर काटें, बाइसेक्ट ईच अदर, और जब काट रहे हो तो जो एंगल बन रहा हो वो एंगल देखना, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, मतलब एक बात हम कह सकते हैं, रोम्बस में डायगोनल के बीच बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस कहना है तो या तो हम केवल दिखा दें कि उसके चार के चारों साइड्स आपस में एक बराबर हैं, इतना कहना ही पर्याप्त होगा उसको रोम्बस कहने के लिए। अब अलग बात है रोम्बस से उठ के स्क्वायर की कैटेगरी में जाता है या रोम्बस में ही रुक रह जाता है। दूसरी बात, अगर हमको रोम्बस कहना है तो रोम्बस कहने के लिए हम एक तरह एक ही बात यह भी कह सकते हैं कि जो डायगोनल हैं उनको कह दिया जाए कि डायगोनल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, मतलब पहले और दूसरे डायगोनल के बीच का इंटरसेक्शन एंगल पाई बाई टू हो जाए तब पर भी दिया गया क्वाड्रिलेटरल रोम्बस हो जाएगा। ठीक, तीसरी शर्त देखना, ये धनी है शर्तों के मामले में, इसके पास तीन शर्तें हैं इफ एंड ओनली इफ की, आप तीनों में से कोई भी उठा सकते हैं। सी, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब द डायगोनल बाइसेक्ट द डायगोनल
बाइसेक्ट, ठीक, ईच अदर, ईच अदर, ठीक, एंड, और इसके साथ ही साथ एंड टू एडजेसेंट साइड्स, एंड टू एडजेसेंट साइड्स, बगल बगल वाली, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल्स, ठीक। या हम ये भी दिखा सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं और जो बगल बगल की साइड्स मौजूद हैं एडजेसेंट साइड, ठीक। जैसे अगर हमने मान लो ये फिगर देखा, ये, ठीक, तो इसके एडजेसेंट साइड ये होगी, इसके एडजेसेंट साइड ये होगी, बगल बगल वाली साइड, इनकी लेंथ भी आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब जो डायगोनल खींचे गए, डायगोनल ने एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा, पहली बात, और डायगोनल ने एक दूसरे को, सॉरी 90 डिग्री इसमें नहीं है, इफ एंड ओनली इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये पॉइंट दोनों ही डायगोनल का मिड पॉइंट हो गया, एक बात हो गई, और ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो हम कह देंगे ये हमारा एक रोम्बस होगा। जैसे अब इसी फिगर को हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, ये ऐसा हुआ और ये आगे बढ़ गई काइट। अब आज की तारीख में अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट मिला हुआ है, ये पॉइंट, ये इनको बराबर बराबर हिस्से में काट रहा है, हालांकि दिखने में लग रहा है बिल्कुल बराबर हिस्सा नहीं है, ठीक, तो हम इसको कैलकुलेट करें, अगर ये हिस्सा इसके बराबर आ गया, ये हिस्सा इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब मिड पॉइंट कोइंसिडेंट हो गया, जबकि हालांकि इस फिगर में साफ साफ पता है इस बड़े वाले डायगोनल का मिड पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा, तो यहाँ पर ये दोनों कोइंसिडेंट होंगे ही नहीं। जब कोइंसिडेंट होंगे ही नहीं तो इसीलिए ये इन चारों केस में आएगा भी नहीं, ये अलग से काइट वाले केस में चला जाएगा। तो रोम्बस दिखाने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये भी है, तीन रास्ते आए। पहला रास्ता आया चारों साइड्स को बराबर कह दें, बोल दें रोम्बस होगा। दूसरा रास्ता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें और 90 डिग्री के एंगल पर काटें, रोम्बस होगा, बेधड़क बोल सकते हैं। तीसरा रास्ता हमारे पास ये है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री सॉरी बाइसेक्ट करें, आधे आधे पर काटें, और एडजेसेंट साइड यानी बगल बगल वाली जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में कैसी हो जाए, एक बराबर हो जाए, तब पर भी हम कह देंगे कि एक रोम्बस होगा। अब बारी स्क्वायर के लिए कह रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर पहली शर्त, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, All the four sides are equal, सारी की सारी चारों साइड्स आपस में एक बराबर हों, एंड, और इसके साथ साथ एंड द डायगोनल्स आर इक्वल, एंड द डायगोनल्स आर इक्वल, यही बातें उस फिगर में भी कही गई हैं, लेकिन चूंकि ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, फिगर में हो सकता है कोई ये ना जोड़ पाए कि वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी या नहीं होगी, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बी, दूसरा तरीका ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, चार की चारों साइड्स आपस में एक बराबर हो जाएं, एंड, और इसके साथ साथ एंड वन एंगल इज अ राइट एंगल, और कोई भी एक एंगल उसमें राइट एंगल बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। ये है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ज्योमेट्रिकल फिगर की। और अब वो चीज़ जो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि परिवार के ही मेंबर ये लोग हैं, पैरेललोग्राम के हिस्से में स्क्वायर आता है,
स्क्वायर के हिस्से में पैरेललोग्राम नहीं आता है। ठीक, अगर कोई चीज़ स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही कही जाएगी, आप उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर पैरेललोग्राम है, सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप बिल्कुल बेधड़क पैरेललोग्राम बोल सकते हो। पैरेललोग्राम है तो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए एक पैरेललोग्राम को तुरंत स्क्वायर नहीं बोला जा सकता है। इस तरीके से जो कैटेगरी हो रही है इनको बांटने चल रहे हैं, स्पेशल रिमार्क करके लिख देना उसे। स्पेशल रीमार्क, स्पेशल रीमार्क। इसमें सबसे पहला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये डिफरेंस है इनके बीच का, कौन किस में शामिल होगा, इसीलिए डबल स्टार करके लिख रहे हैं। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक, लेकिन कैसा पैरेललोग्राम होता है, हुज डायगोनल्स, हुज डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिगर देखो तो वहाँ पर इक्वल डायगोनल जब नहीं थे, मतलब डायगोनल्स अनइक्वल वाली कैटेगरी में पैरेललोग्राम किया गया था। मतलब ये हुआ कि जनरलाइजेशन में अगर कोई कहा कि पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल बराबर हो सकते हैं, जवाब होगा हाँ, किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। जिस दिन डायगोनल बराबर नहीं हुए उस दिन उसको खालिस पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी पर छोड़ दिया जाएगा, और जिस दिन बराबर हो गए उस दिन वो स्क्वायर या रेक्टेंगल वाली किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ बढ़ चलेगा। एक बात हुई। दूसरी बात, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये जो स्क्वायर होता है वो एक रोम्बस होता है, हुज डायगोनल, और कैसा रोम्बस होता है, हुज डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। मतलब फिर वही बात है, किसी ने कहा रोम्बस में डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होते, तो नहीं, ये बात गलत है। यही चीज़ हमको वहाँ पर खटकी जब उस किताब में ये लिखा हुआ मिला कि अगर आपको रोम्बस दिखाना है तो आप केवल इतना दिखा दीजिए कि डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होंगे, ये तो सीधे गलत हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर रोम्बस होता है, रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, अगली बात, अगला, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, लिखना, अरोम्बस, अरोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स, हुज एडजेसेंट साइड्स साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल्स। एक रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक, ये सब स्पेशल रिमार्क वन के अंतर्गत था। अब इसी में एक रिमार्क नंबर दो लिख लेते हैं। ठीक, इसको शॉर्टकट कह सकते हैं। ठीक, वैसे आम तौर पर अगर ये ट्राइंगल के दो साइड्स हमको दिए गए हैं, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पहला वर्टेक्स पता है, पहला सिरा पता है, दूसरा सिरा उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो तीसरे के पूछेगा, तब के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आप इसको इस तरीके सीधे रख सकते हो। हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, फार्मूला है सीधा सीधा जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। लिखना, इफ इफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल
ट्राइंगल देन, ठीक, या वर्टेक्स के भी बारे में बात कर लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद विद कैपिटल ए जो इसके वर्टेक्स हैं एक्स वन वाई वन, कैपिटल बी एक्स टू वाई टू, ठीक, देन तब इसका जो तीसरा वर्टेक्स कैपिटल सी होगा, देन कैपिटल सी विल बी देन कैपिटल सी विल बी तब इसका थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा, थर्ड वर्टेक्स, वो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू, ये एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस प्लस अंडर रूट थ्री वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई टू कॉमा, इसी तरीके से जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, यहाँ वाई टू माइनस वाई वन तो वहाँ होगा एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टू। प्रॉपर तरीके भी निकालने के, प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं और या तो फिर शॉर्टकट में ये फार्मूला इस्तेमाल करके सीधे निकाल के पार कर जाएंगे। हम थोड़े से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं फिर थ्योरी आगे चलेगी, अभी इधर बहुत थ्योरी है। प्रॉब्लम उठा लें, थोड़ी सी प्रॉब्लम दी गई है। द पॉइंट्स, द पॉइंट्स हुज एब्सिस का हुज एब्सिस आ इज इक्वल टू is equal to its ordinate, एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा इसके ऑर्डिनेट यानी भुज और कोटि दोनों आपस में बराबर हैं, is equal to its ordinate which is equidistance, और ये पॉइंट the points whose एब्सिसा is equal to इट्स ऑर्डिनेट, एक ऐसा पॉइंट जिसका भुज और जिसकी कोटि आपस में एक बराबर हैं और इसके साथ ही साथ विच इज इक्वी डिस्टेंस एक बराबर दूरी पर है, विच इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक, फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स 10 एंड 0 थ्री, इज करें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहला दिया गया है ए 1,1, बी दिया गया है 2,2, ठीक, सी दिया गया है 3,3, डी दिया गया है 4,4। एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा और उसके ऑर्डिनेट आपस में बराबर है यानी भुज और कोटि आपस में बराबर हैं और इसके साथ ही साथ वो पॉइंट इन दिए गए दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस एक बराबर दूरी पर मौजूद है, कह रहे हैं ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट का होगा, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। शुरुआत करते हैं, चूँकि दोनों ही बराबर हैं इसलिए एक्स और वाई में एक्स बराबर वाई मान लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट पॉइंट बी, लेट पॉइंट बी एक्स कॉमा एक्स, ठीक, अब चूंकि पॉइंट एक्स कॉमा एक्स है और पॉइंट की डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है तो सीधे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो बाय गिवन कंडीशन,
सो बाय गिवन कंडीशन अंडर रूट, ठीक, पॉइंट की इससे दूरी यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस x माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पॉइंट की इस वाले हिस्से से यानी इस पॉइंट से दूरी x माइनस जीरो का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर काट दें रूट हट जाएगा तो इसका मतलब हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट। अब एक चीज़ ध्यान दें, जैसे रूट हटेगा तो एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी हमको मिलेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यह हिस्सा बना, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते ही हमको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा एक चीज़, अगर इसको स्क्वायर को भी यहाँ से सीधे उड़ा दिया जाए, स्क्वायर को भी सीधे सीधे उड़ा दें तो गड़बड़ी देखें, गड़बड़ी क्या होगी, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा। अगर स्क्वायर किसी ने सीधे उड़ा दिया, उसने कहा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स से एक्स कटा, माइनस वन बराबर माइनस थ्री, आर्यभट्ट भी एक बार कहेंगे हमको भी ये गणित सिखाई जाए, ये गड़बड़ी है ना। हम स्क्वायर हटा नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर जब तक पड़ा हुआ है हमको नहीं पता यहाँ माइनस रहा है प्लस रहा है क्या था। तो इसका मतलब अब दोनों साइड का स्क्वायर खोल देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, इधर के हिस्से में आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, सिक्स एक्स इसको उधर इस हिस्से को यहाँ लेकर के आते हैं तो इधर आए प्लस सिक्स एक्स, इसका मतलब बचता है फोर एक्स, तो यहाँ लिख दे रहे हैं फोर एक्स इज इक्वल टू नाइन है इधर प्लस वन उधर लेकर के गए तो माइनस वन हुआ यानी एट हुआ और एक्स इज इक्वल टू टू इम्प्लाइज दैट पॉइंट इज 2,2। इसका मतलब आंसर बी, बाकी सब गलत। सॉल्व कर दो फटाफट। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, प्रॉब्लम है इफ अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर बी 3,4 एंड 1,-1। इफ अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर दिया गया है और उस स्क्वायर के अपोजिट एंगुलर पॉइंट का मतलब होता है अपोजिट साइड, आमने सामने के पॉइंट इस तरीके के, जैसे एक पॉइंट यहाँ तो एक यहाँ, ये यहाँ तो यहाँ, अपोजिट एंगुलर पॉइंट, ठीक, बी 3,4 एंड 1,-1, देन अदर एंगुलर पॉइंट बी डैश, पहला ऑप्शन दे रहे हैं 9/2, 1/2 एंड -1/2, -5/2 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 9/2, 1/2 एंड -1/2, -5/2 ठीक। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 9/2, 1/2 एंड
माइनस वन बाई टू, फाइव बाई टू, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं माइनस नाइन बाई टू कॉमा माइनस वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू। ये किसी स्क्वायर के अपोजिट एंगुलर पॉइंट दिए गए हैं, ठीक। अपोजिट एंगुलर पॉइंट में दो ही दिए गए हैं और बाकी के जो दो अपोजिट एंगुलर पॉइंट बचे हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है। जैसे ये स्क्वायर है, ठीक, इस स्क्वायर के दो अपोजिट एंगुलर पॉइंट, जैसे एक पॉइंट अगर ये है थ्री फोर तो इसके अपोजिट एंगुलर पॉइंट जो होगा वो ये होगा अपोजिट एंगल यहाँ का। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं थ्री फोर तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे वन कॉमा माइनस वन। तो हमसे इन दोनों अपोजिट एंगुलर पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि ये दोनों अपोजिट एंगुलर पॉइंट क्या होंगे। अब इसमें चालाकी ये है कि इसमें आप भक्त से दोनों ना मान लीजिए कि इसको भी मान ले निकालने की शुरुआत कर दे। नहीं, अपोजिट एंगुलर पॉइंट में ना ये पता है ना ये पता है, तो जनरल कोऑर्डिनेट चाहे इसका एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। जब एक का जनरल एक्स कॉमा वाई मान लेंगे तो इसका मतलब दो निकालने हैं, तो निश्चित तौर पर ये नकल है कि कहीं ना कहीं पर हमको एक इक्वेशन सेकेंड डिग्री की मिलने वाली है। सेकेंड डिग्री की या तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी और या तो कोई ऐसी कंडीशन बनेगी जिससे हमको किसी एक एक्स के लिए एक वाई, अगले एक्स के लिए अगला, यानी या तो यक्स के या तो वाई के दो दो मान मिलने शुरू होंगे और बारी बारी रखने पर एक एक मान निकल आएंगे उसके करेस्पॉन्डेंस में, ठीक। तो कुल मिला के फाइनल यही है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब एक अननोन पर दो वैल्यू निकालनी है तो एक ही रास्ता बचता है, क्वाड्रेटिक ही। शुरुआत करते हैं, यानी हम किसी एक को x, y मान लेंगे और बाकी बातें दिमाग में क्लियर हैं कि हमको एक सेकेंड डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। यह हटा रहे हैं पूरा, ठीक। शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। यहीं पर फिगर बना लेते हैं, ठीक। ये पॉइंट हम मान लेते हैं कैपिटल ए, थ्री फोर हमको दिया गया है तो इसका मतलब ये कैपिटल सी हमें दिया जाएगा। बी को हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं, बी है एक्स कामा वाई, डी को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिख करके छोड़ देंगे, और सी वन कामा माइनस वन है। चलें शुरुआत करते हैं। एक बात तो तय है कि स्क्वायर है तो ए बी बराबर बी सी होगा, पहले इससे शुरुआत करते हैं, ए बी बराबर बी सी से, क्योंकि आज की तारीख में ये अननोन है और ये दोनों नोन पॉइंट हैं जो हमें पता हैं। सॉल्यूशन क्लियरली स्पष्टता, ए बी बराबर बी सी। अच्छा, ए बी बराबर बी सी तो डिस्टेंस में अंडर रूट आएगा, अंडर रूट को दिक्कत को झेलते हुए या उस दिक्कत से बचने के लिए ए बी का स्क्वायर लगा देते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक। अप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हुआ, ठीक। पूरे को ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, यहाँ से हमको मिलता है वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक। इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x यहाँ से आया, इसे देखते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता है। बाकी की चीज़ें देखते हैं, मेरे ख्याल से तो और शायद कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। चलो शुरुआत करते हैं, माइनस सिक्स एक्स यहाँ मौजूद है, माइनस सिक्स एक्स को इधर लेके, सारे लोगों को एक तरफ लेके चल रहे हैं, तो माइनस सिक्स एक्स इधर जाएगा प्लस सिक्स एक्स प्लस, और ये माइनस टू इसका मतलब फोर एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट फोर एक्स। वाई के हिस्से देखते हैं, माइनस एट उधर गया प्लस एट, आठ दो दस प्लस टेन वाई इधर से हो गया, ठीक। इसका हाल देखते हैं, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस इधर एक एक दो इधर जाएगा तो प्लस 25 होगा, सॉरी 16 नौ 25 इधर जाएगा माइनस 25, माइनस 25 प्लस 2 दैट्स माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये x और y में 1 डिग्री का इक्वेशन मिला है,
एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू होगी, सबको उधर ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 23 माइनस 10 y डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है। इसको रख लेते हैं, फटाफट नोट कर लें इतना। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यही कॉर्नर पर लिख दे रहे हैं, ये इस्तेमाल करेंगे। x इज इक्वल टू 23 माइनस 10 वाई डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे बैंक में आ गया, बाद में जब जरूरत पड़ेगी देख लिया जाएगा। अच्छा, एक रिलेशन तो ये मिल गया, अब अगली बात देखते हैं। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, AC को मिला देते हैं, ध्यान दें अगर, तो AC को मिलाते ही एक ट्राइंगल बन गया ABC, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस की प्रमेय को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, शुरुआत करते हैं इसी से, लिखना नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल से AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² ठीक, ये भी अप्लाई करके देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट AB² का मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस BC² देखते हैं, BC² x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू, ठीक, AC²। अब तो इस फिगर को मिटाया जा सकता है, तो AC² देखा जाए तो ये होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एक हिस्सा हुआ, और प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस फिगर को हटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म, यहाँ पर होगा प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x² ठीक प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y, इसे ओपन करते हैं, प्लस x² प्लस 1 माइनस 2x, इसे ओपन करते हैं, प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y, ठीक, बराबर के उधर वाले हिस्से में अगर देखा जाए 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, और 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 5, 5 25, इधर से 25 4 29, तो सीधे लिख देना 29। कुछ कटना पिटना तो है नहीं, x² दैट इज इक्वल टू 2x² 2x² y² प्लस 2y², ठीक, उसके बाद माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x माइनस 8y इधर से, ठीक, और उधर से प्लस 2y दैट इज इक्वल टू माइनस 6y, ये हो गया। कांस्टेंट टर्म का हाल देख लिया जाए तो 16 9 25 इधर से है, ठीक है, तो इधर का 25 उधर का 29, मतलब इधर 4 बचा, उस 4 को इधर लाते हैं, माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, और वो था माइनस 4, यानी कि अभी बचा है माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पूरे में 2 से डिवाइड लग जाएगा, यानी ये हमारे पास आया। दिस इम्प्लाइज दैट x² प्लस y², ठीक, माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये वो सेकंड डिग्री का इक्वेशन आ गया है जिससे मेरा काम आसानी से बन जाएगा। अब हमको एक काम करना है, आगे के कैलकुलेशन मैक्सिमम तुम लोगों के जिम्मे रहेगी, इस एक्स की जगह पर इस आई हुई वैल्यू का इस्तेमाल कर लो, यूजिंग इक्वेशन 1 इन दिस,
या पुट x इज इक्वल टू 23 माइनस 10 वाई अपॉन 4, उठा करके ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। पुट करेंगे तो ये बनेगा 23 माइनस 10 वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 23 माइनस 10 वाई अपॉन 4, ठीक, ये 4 इस 4 से तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यही एक काम करना है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, ठीक। हम इसको सिंप्लीफाई किए हुए हैं, जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो अपने पास आएगा, वो हम सीधे लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद तुम लोग बड़े इत्मीनान से अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास आएगा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। y की हमको दो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, शुरुआत करते हैं। अच्छा, y की दो वैल्यू मिलेगी, तो अब x इज इक्वल टू दिस, पहली वैल्यू रखेंगे तो एक x मिलेगा, दूसरी रखेंगे तो दूसरा x हमको मिल जाएगा। 5 चौक 20 इधर से हुआ, ठीक, और इस 12 को तोड़ दिया जाए 20 में, ठीक, ये फैक्टर आएगा इसका, हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये फैक्टर इसके टूटेंगे 2y माइनस 1 पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में 2y माइनस 5, ये रहा। चेक कर लेना एक बार, पाँच चौक 20, 10 दूनी 20, हाँ ठीक, सही है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहला फैक्टर 0 करते हैं, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 1/2, यानी यहाँ से मिलता है y इज इक्वल टू 1/2, और इस हिस्से को 0 करते हैं तो y इज इक्वल टू 5/2 मिलता है, और 5/2। बारी बारी ये वैल्यू यहाँ रखते हैं और x की एक एक वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। लिखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन 1, चलो 1 में रखते हैं, तो x इज इक्वल टू, ठीक, 23 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 1/2, 2 1 के 2, 2 5 10, ठीक, 23 में से 5 गए और डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब ये हो गया 9/2, ठीक। अगला देखते हैं, फिर पुट y इज इक्वल टू 5/2 इन 1, ठीक, अब की बार 5/2 रखते हैं, फिर वही काल 2 1 के 2, और इधर से 2 5 10 5 25, 23 माइनस 20 माइनस 1/2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये रहा, ठीक, ये दो वैल्यू आई, इसका मतलब पॉइंट अब हमको मिल चुके हैं यहाँ से। दिस इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स हमें चाहिए वो पॉइंट होंगे 9/2 1/2 एंड, और अगला माइनस 1/2 5/2, एक्स पहले होगा वाई बाद में होगा, माइनस 1/2 5/2, ऑप्शन देख करके टिक मार लो कौन सा ऑप्शन था। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, प्रॉब्लम है, लेट कैपिटल ए, पॉइंट दिया गया है 6, -1, ठीक, कैपिटल बी, पॉइंट दिया गया है 1, 3, ठीक, एंड कैपिटल सी, पॉइंट दिया गया है x, 8,
ठीक, आर सच दैट, आर सच दैट, ये पॉइंट इस तरीके के हैं कि ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी के बीच, ए बी और बी सी के बीच की डिस्टेंस बराबर है, देन वैल्यू ऑफ एक्स आर, देन वैल्यू ऑफ एक्स आर पहला है, 3 5 दूसरा -3 5 तीसरा 3 -5 डी -3 -5 ठीक, सॉल्यूशन जो कंडीशन दी गई है इसी कंडीशन से शुरुआत करते हैं, सिंस ए बी बराबर बी सी इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ठीक, यानी दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस -1 - 3 या सीधे कहते हैं 3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट 6 - 1 - 5 25 इधर से 3 × 1 = 4 4 × 4 = 16 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और 8 × 3 8 में से 3 निकालो 5 25 प्लस 25 ये 25 से ये 25 कैंसिल आउट हुआ, यानी हमको मिलता है इम्प्लाइज दैट x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको मिल गया x - 1 इज इक्वल टू +-4 दो किससे बने, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, जिस वक्त पॉजिटिव साइन लेकर के चलेंगे उस वक्त x - 1 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 सॉरी 4 × 5 इज इक्वल टू 5, नेगेटिव साइन लेकर के चलते हैं, नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा x - 1 इक्वल टू -4 -1 उधर गया +1 यानी कि x इज इक्वल टू -3 तो -3 + 5 ये रहा बी पार्ट सही है, बाकी सारे गलत।